करती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जहाँ वो फर्स्ट टाइम उधर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा चुनाव लड़े, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी इरिगेशन के लिए उस प्रोजेक्ट के द्वारा जाती है जो 78 से पेंडिंग है, 21 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होती है। प्रोडक्ट इस क्षेत्र का एग्रीकल्चर का विस्तार बेनिफिट हुआ है। ये चार, सिर्फ चार उदाहरण के साथ मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी बड़े प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारी डायनेमिक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं बार बार ये शब्द डायनेमिक क्यों उपयोग कर रही हूँ, मैं एक मिनट में उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेरे नंबर गलत है तो चीफ मिनिस्टर साहब उसको करेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, साल में कितना सप्ताह है, कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार दो बार भी जाते हैं एक जिला में विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है, 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। डायनेमिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ, इंजन के तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। मैं अपॉइंटमेंट अगर उनसे लेना है लखनऊ में, मांगना वेस्ट है। मैं उस दिन उस सप्ताह कहाँ होंगे उधर जाना ही बेहतर होगा। ऐसे हेडक्वार्टर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट ही मेरा हेडक्वार्टर ऐसे मानते हुए, डायनेमिकली मूव करते हुए एक राज्य, बड़ा सा राज्य को चला रहे हैं, तो वो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी है। मैं रेवेन्यू कलेक्शन का एक विषय आपके सामने रखना चाह रही हूँ। सीबीडीटी भी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी, अच्छा सा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव किया है। देश का डेवलपमेंटल काम के लिए पैसा इसलिए मिल रहा है। लास्ट डेटा मेरे पास जनवरी का, मगर अभी ही नितिन गुप्ता जी बोल रहे थे कि लेटेस्ट नंबर इससे ज़्यादा है, 16.77% साल में इंक्रीज हुआ है ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और इसमें रिफंड भी समय पर लोगों को मिल रहा है। 2 लाख, 2.48 लाख करोड़ फर्स्ट अप्रैल 2023 के अंदर ही वापस दे दिए। सो फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, पूरे साल नहीं, 2 साल 2 महीना बाकी रहते हुए भी इस साल खत्म होने का, 10 जनवरी तक 2.48 लाख करोड़ का रिफंड खत्म हो गया है, वापस दे चुके हैं। इसीलिए हम इस साल 433% बढ़ोतरी किए इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़। ये नंबर इसीलिए हो पाया कि टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रही है, और इस साल इंटरिम बजट के द्वारा एक छोटा सा कदम हमने उठाया, मगर लगता है छोटा सा कदम, मगर इसका बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो छोटा सा टैक्स पेयर है, मीडियम मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, उनका बेनिफिट मिला है। वी हैव गिवन देम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जितने भी थे टैक्स असेसी के ऊपर, 1962 से आपसे आने वाले बाकी पैसा बकाया, 1970 का बकाया, 1980 का बकाया, ऐसे करके अमाउंट बढ़ते गए। लोगों को नोटिस भेजने में उनको डर आता था कि ये क्या है, 60 का 70 का क्लेम अभी लेके आ रहे। सो उसमें एक राहत दिलाने के लिए 25,000 रुपीज तक राहत, मतलब अब पे करने का आवश्यकता नहीं है अप टू 2009-10 का क्लेम्स के ऊपर।
और 2010-11 से 2014-15 तक का क्लेम्स का 10,000 रुपीज तक एक असेसे अगर बकाया है तो वो बकाया भरने का आवश्यकता नहीं है, राहत दिला दिया। ऐसे कदम हम टैक्सपेयर बेनिफिट के लिए ले आ रहे हैं जिससे छोटे टैक्सपेयर को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट रीजनेबली चल रही है, ओवर क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। ग्रीवेंसेस फेसलेस सिस्टम जब लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस को हमने पूरा पालन किया, फेसलेस करो, इंडिविजुअल टैक्स असेसर इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने या ऑफिसर के सामने बैठना नहीं है, सब फेसलेस करने में किसको मालूम नहीं होना चाहिए कौन किसका अकाउंट डील कर रहा है, इसको ले आए। उसके कारण शिकायत 60% कम हुआ है, फेसलेस के कारण शिकायत। शिकायत कम होने का इंडिकेटर क्या है? लोगों के मन में प्रेशर नहीं है, वो कंप्लेन करने के लिए सामने आने आवश्यक नहीं समझता है, इसलिए 60% रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स असेसमेंट प्रोसेस का टाइम भी कम हो गया है, पर डे हर सिंगल डे 1.66 करोड़ असेसमेंट को हमने आईटीआर फाइलिंग करने वाले का प्रोसेस एक ही दिन में हम खत्म कर लेते हैं, और 3.43 इनकम टैक्स रिटर्न्स को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं, टाइम नहीं लगता आजकल। आखिर में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम ये कर्तव्य काल में हैं, 2047 के अंदर भारत देश एक विकसित देश एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हम सब हमारे कर्तव्यों को निभाना है। टैक्सपेयर जितना भी छोटा हो, आपके हर एक पाई पाई को सही उपयोग करके हमारे जिम्मेदारी भारत देश को अच्छा बनाने में खर्च करेंगे, ना कि फसूल में या वेस्ट करने का पिल्फरेज करने का मौका नहीं देंगे। इसीलिए आप सबके कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद।